जय माता दी। अभी रिफ्रेशमेंट के लिए रुके यहाँ पे नींबू पानी के लिए। तलाक तक चल जाएगी दो दिन में। जोर नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का दोस्तों मेरे एक और नए व्लॉग में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ माता रानी के बहुत फेमस मंदिर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत फेमस है। हालांकि उस पर आप लोग कई बार कितने सारे वीडियोज़ देख चुके होंगे, लेकिन आज है नवरात्रि का पहला दिन, इसलिए आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ माता रानी का दर्शन कराने वहाँ पर। और एक बात और भी बता दूँ, ये हमारे घर से लगभग 90 किलोमीटर अराउंड पड़ता है। अगर आप लोग ने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, जिसमें मैं आप लोगों को पाताल भैरवी मंदिर का दर्शन कराया था, वहाँ से वो अराउंड 30 या 40 किलोमीटर है और उसी रूट पे पड़ने वाला है। तो चलिए अभी निकलने का समय हो गया है, निकलते हैं अभी। अभी समय हो रहा है लगभग 1 बज रहा है, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या क्या है और रास्ते में जो भी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी बताएंगे, मंदिर के बारे में और भी सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। जो भी सारी चीज़ पता चलेगी वो सारी चीज़ बताएंगे आप लोगों को। चलिए फिलहाल निकलते हैं। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, अभी अराउंड 4 to 5 किलोमीटर से आ चुके हैं हम लोग, और हमारे घर से लगभग ये 2 घंटे का रास्ता है। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने राजनांदगांव शहर में एंट्री कर चुके हैं, और सामने देख सकते हो आप लोग को, हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे जो मेरा लास्ट व्लॉग हुआ, देख लीजिए यही है पाताल भैरवी मंदिर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी व्लॉग बनाया हुआ है, अभी हम लोग इसी को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ से अराउंड 30 और 40 किलोमीटर और रह गया हमारा जो डोंगरगढ़ है माता रानी का मंदिर। फिलहाल हम लोग अभी ये पाताल भैरवी मंदिर क्रॉस कर रहे हैं। चलिए फाइनली 60 किलोमीटर से हम लोग ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं तुमड़ी मोड़ जगह में। ये जगह यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, रायपुर से आने वाले लोग यहाँ से राइट लेंगे, और जो लोग नागपुर से ट्रैवल कर रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र नागपुर से, उनके लिए लेफ्ट में पड़ी गई ये चीज़। तो अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेंगे और यहाँ से बस 20 किलोमीटर रह गया हमारा मंदिर। तो देख लीजिए यही है हमारा टर्निंग पॉइंट, यहाँ से हम लोग राइट टर्न कर रहे हैं। सामने बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं सारा जगह का नाम लिखा हुआ है, और खासकर लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में लिखा है डोंगरगढ़, 23 किलोमीटर्स रह गए हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे टी पॉइंट वगैरह भी बना हुआ है लोगों के लिए। ये हम लोग फाइनली मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, अभी जाते हैं पास, दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ से तो इतना दिख रहा है, लेकिन पास से कितना बड़ा दिखता है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ, लगभग 1000 स्टेप के अराउंड है, जो लोग चल के जाएंगे उनको लगभग 1 घंटा 2 घंटा तो लगना ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे रोप वे का भी ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। चलते हैं पास में, सारा चीज़ दिखाएंगे सारा चीज़। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग जस्ट गाड़ी पार्किंग लगा के जा रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। कितना दूर है यहाँ से मंदिर वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी दूर में पार्किंग लगाना पड़ा गाड़ी, वरना सामने तक ही गाड़ी जाती है पूरा, और सामने ही वहीं पर पार्किंग होती है। अभी नवरात्रि है और आज पहला दिन है, इसलिए हम लोगों को गाड़ी यहाँ पार्क करना पड़ा, वरना गाड़ी हम लोग सामने तक लेके जा सकते हैं। और आज फर्स्ट डे है, और आप लोग भीड़ देख लीजिए कितना ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये देख लीजिए। जैसे जैसे अभी पहला दिन, दूसरा दिन और आगे दिन बढ़ते जाएगा, भीड़ और बढ़ते जाएगी और दर्शन करना उतना ही मुश्किल होगा। चलिए फाइनली हम लोग पास में पहुँच गए मंदिर के, और रास्ते के साइड में आप लोग देख सकते हो सारे पूजा सामग्री वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा लेने के लिए, माता को चलाने के लिए। और देख लीजिए एंट्री भी बस पास में आ ही गया है यहाँ पे। ये जो सामने गेट देख रहे हैं आप लोग, अगर ये नॉर्मल डेज रहता है तो गाड़ियों की पार्किंग वगैरह सब यहीं होती है, लेकिन फिलहाल अभी नवरात्रि का दिन है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी लगभग यहाँ से 400-500 मीटर पार करके हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं। और ये देख लीजिए कुछ ऐसा एंट्री है यहाँ का। चलते हैं, आज भी काफ़ी भीड़ लग रहा है क्योंकि संडे भी है आज। ये है यहाँ का एंट्री। मैं यहाँ के बारे में कुछ और बता दूँ, लोग यहाँ से चल के भी जा सकते हैं, लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जाने का एक दूसरा रास्ता रोप वे का भी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, अभी चालू होगा तो वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। पूजा सामग्री वगैरह सब लेने के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। चलिए फाइनली अभी मैं रोपवे का पता करने के लिए गया था, तो काफ़ी समय लगेगा बोल रहे हैं, अभी तो काउंटर बंद भी हो गया है। काउंटर जब खुलेगा उससे नहीं पता, 1-1.5 घंटा टिकट लेने में लगेगा और 1-2 घंटा नंबर आने में लगेगा, तब तक तो हम लोग दर्शन करके नीचे भी उतर जाएंगे। चलते हैं अभी फिलहाल।
सीढ़ियों से ही चलेगा। चलिए देख लीजिए ऐसा कुछ एंट्री यहाँ का। सामने बमनेश्वरी मैया जी का फोटो भी दिख जाएगा। हम लोग वहाँ से दूर से चल के आ रहे हैं। रोपवे का क्या सीन है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अभी यहीं से हम लोग चालू करते हैं। सब चप्पल वगैरह यहीं रख दिए हैं तो हम लोग भी फ़िलहाल यहीं रख ही देते हैं और फिर चालू करते हैं चढ़ना। चलिए बोलिए शेरावली मैया की जय। भीड़ देख सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा भीड़ है। आज नवरात्रि का पहला ही दिन है। यहाँ पे आपको संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर दिख जाएगा। अभी देख लीजिए चढ़ाई सिर्फ शुरू हुआ है। अभी लगभग 1000 सीढ़ी हम लोग को चढ़ना है। चढ़ के उतरने में कितना समय लगता है देखते हैं। चलिए लगभग हम लोग अभी 100 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। अभी जैसे जैसे हम लोग और ऊपर बढ़ेंगे नज़ारा और खूबसूरत होते जाएगा। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। देख लीजिए सारे लोग आ रहे हैं अभी लाइन से। चलिए फाइनली लगभग हम लोग को सीढ़ी चढ़ना चालू किया। आधा घंटा हो गया है और हम लोग लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं। और रास्ते के साइड्स में आप लोग देख सकते हैं सारे खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे आप लोगों को। साथ ही साथ प्रसाद के भी स्टॉल्स वगैरह दिख जाएंगे। आप लोग यहाँ से भी प्रसाद वगैरह लेके जा सकते हो ऊपर चढ़ाने के लिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर पहुँचिए मंदिर के पास तक, उसके बाद ही लीजिए क्योंकि वरना आपको ले के सारी चीज़ चढ़नी पड़ेगी। ये चढ़ने वाला मार्ग है और ये उतरने वाला रास्ता है। चलिए फाइनली लगभग हम लोग आधा चढ़ने के बाद अब 3/4 बचा होगा और हम फिलहाल इतने ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अभी आगे और है चढ़ने के लिए, चलते हैं आगे। देख लीजिए यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ बच्चे के खिलौने से लेके खाने पीने से लेके सारे चीज़ की रिंग वगैरह आप लोग को माता की फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। चलते हैं फिलहाल छोटा सा रेस्ट लेने के लिए रुके थे हम लोग, निकलते हैं अभी आगे जल्दी से दर्शन करके उतरते हैं। चलिए मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। डोंगरगढ़ नाम कैसे पड़ा? जी हाँ, डोंगरगढ़, डोंगर यानी मराठी लैंग्वेज में पहाड़ को बोलते हैं डोंगर, और गढ़ यानी कि किला। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा डोंगरगढ़। और जो इस मंदिर का पुराना नाम था वो था कामाख्या मंदिर। तो बस इतनी सी जानकारी। 1600 फीट की ऊंचाई में ये मंदिर बना हुआ है, माँ बमनेश्वरी माता जी का मंदिर। और हमारे भारत देश में जितने भी 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक शक्तिपीठ ये हमारा डोंगरगढ़ का मंदिर भी है। जो मंदिर है लगभग 2000 साल पुराना है और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है एक राजा वरसिंह के नाम की। तो उसके बारे में आप लोग जाके गूगल में विकिपीडिया में सर्च करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। और ये आगे सबसे पहले हमारा भोले बाबा जी का मंदिर, यहाँ से लगभग और 200-300 सीढ़ियाँ और रह गई हैं, वो भी हो जाएंगी कवर। फिलहाल आप लोग ये दर्शन कर लेते हैं। चलिए फाइनली 700-800 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से चालू है मंदिर का मेन एंट्रेंस। यहाँ से देख लीजिए आप लोग नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। वो देखिए दूर जूम करके मैं आप लोग दिखा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रेन भी खड़ी है और वो डोंगरगढ़ स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जी। ये व्यू मैं आप लोग को अभी इसलिए दिखा दे रहा हूँ, क्या पता उतरते उतरते हम लोग को शाम हो जाए, अंधेरा हो जाएगा तो आप लोग ये नज़ारा देख नहीं पाओगे, इसलिए मैं आप लोग को अभी ये दिखा दे रहा हूँ। और काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका लोकेशन मैं आप लोग को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा। नागपुर से ये अराउंड 200 किलोमीटर्स कुछ पड़ता है और हमारे जो भिलाई शहर है जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से लगभग 90 या 100 किलोमीटर्स अराउंड कुछ पड़ता है। दोनों जगह से पास ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। और नवरात्रि करके आप लोग भीड़ देख सकते हैं, सिर्फ पहला दिन है और आज इतना भीड़ है। अभी जैसे जैसे दिन ढलते जाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा पंचमी जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दिन और भीड़ और बढ़ती जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं डिस्टेंस बताया नागपुर और भिलाई रायपुर वगैरह, तो वहाँ से लोग पैदल यात्री भी आते हैं पैदल यात्रा करके, तो उन लोग पहुँचते पहुँचते उन लोग को पंचमी हो जाता है लगभग। तो इसलिए आप लोग को जो मेन भीड़ है वो पंचमी से दिखना चालू हो जाएगा, पैर रखने तक का जगह नहीं मिलेगा यहाँ पर। और आज पहला दिन है और उसके बाद भी इतना भीड़ है, देख लीजिए। चलिए चलते हैं, अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। चलिए दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। देख लीजिए यहाँ से मंदिर का मेन एंट्रेंस है जहाँ लिखा हुआ है जय बाबा बमनेश्वरी, और भीड़ देख लीजिए ना अभी आप लोग। और यहीं से रोपवे का रास्ता भी यहीं पर आगे पहुँचता है, यहाँ से देख लीजिए।
रास्ते में आप लोगों को मंदिर मिल जाएगा, शंकर मोचन पर जी का मूर्ति रखा हुआ है। वहाँ का मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो दिख रहा होगा आप लोगों को, काफी समय लग गया पहुँचने में। चलिए फाइनली मंदिर में एंट्री हो चुकी है भाई। फाइनली दर्शन हो गया हमारा, एक लुक और ले लीजिए आप लोग, भीड़ देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है, बहुत ही समय लग गया हम लोग दर्शन करने में। चलिए फाइनली हम लोग दर्शन करके निकल गए बाहर, नज़ारा देख लीजिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे। मेरे को डर था कहीं शाम ना हो जाए, रात ना ढल जाए तो मैं शायद आपको ये लुक दिखा नहीं पाता, जूम जरूर कर दिखाता अगर मेरे पास आईफोन होता तो। फिलहाल आप लोग यहाँ का भी भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी हम लोग अभी मंदिर से दर्शन करके यहीं से उतरे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल भी एक सेकंड रुकने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, तुरंत तुरंत दर्शन करके भगाते जा रहे हैं। हम लोग को जो मेन एंट्रेंस है यहाँ तक आने में कम से कम एक डेढ़ घंटा लग गया, देख लीजिए हम लोग लगभग 2 बजे चढ़ना चालू किए थे और अभी 5:30 हो गए, मतलब 3.5 घंटा लग गया हम लोग को। अभी दर्शन हमारा अच्छे से हो गया है, अभी चलते हैं नीचे की ओर प्रसाद वगैरह लेते हैं। और चलिए यहाँ से एक बार आप लोग लुक देख लीजिए, बहुत अच्छे टाइम पे आए हम लोग, आप लोग को सनसेट भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग को सनसेट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एक लुक ले लीजिए आप लोग यहाँ का, तो सामने आप लोग रोड देख सकते हो, वहाँ पे रोड है वहाँ पे, और वहाँ पे आप लोग मैं दिखा दूँ ट्रेन, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो शायद क्लियर आप लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, बाकी आप लोग एक नज़ारा देख लें, मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा। पत्थर देख लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, सब लोग नाम भी लिख के रखे हुए हैं इसमें। चलिए अभी चलते हैं। चलिए यहाँ पे सब अपना जितने भी ब्रह्मेश्वरी माता जी का टैग है या जो भी चुनरी वगैरह है वो तो सारे आप लोग यहाँ पे बांध सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग सब लोग बांध रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग बांधे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देख के। चलिए अभी चलते हैं नीचे, प्रसाद वगैरह लेते हैं, प्रसाद वगैरह ऊपर तो नहीं मिल रहा था, नीचे मिलता है, चलिए देखते हैं कहाँ मिल रहा है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए प्रसाद भी ले लेते हैं आपका थोड़ा सा, प्रसाद में मिश्री दाना मिला है। यहाँ पे बुक स्टॉल्स भी आप लोग को मिल जाएंगे, मतलब यहाँ मंदिर के बारे में और खासकर रामायण वगैरह महाभारत वगैरह सभी किताबें यहाँ पे अवेलेबल है, मंदिर के बारे में भी जितनी जानकारी है उसके लिए भी यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी लेके पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए धीरे धीरे शाम ढल रही है और अंधेरा होने लगा है, हम लोग को भी नीचे उतरना चाहिए जल्दी से क्योंकि गाड़ी भी पार्किंग काफ़ी दूर में है, हम लोग वहाँ तक भी जाना है। अभी यहीं से हमारा एंट्रेंस था और अब यहीं से अभी हम लोग वापस आए हैं, अभी लाइटनिंग वगैरह धीरे से चालू हो गई है, और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे। अभी आप लोग को एक व्यू और दिखाता हूँ जो आप लोगों को दिन में दिखाया था और अभी रात होते मैं आप लोग दिखाऊंगा। रूप पे देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए ऐसे ही है रूप पे कुछ यहाँ का, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। अब एक बात और बता दूँ, इसकी प्राइजेस वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रूप पे के जो ऊपर आने के प्राइजेस हैं अगर आप नीचे से ऊपर आते हैं तो उसका 80 रुपीज़ चार्जेस है, और अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं राउंड ट्रिप लेते हैं तो आप लोग को जो चार्जेस पड़ने वाला है वो है 40 रुपीज़, तो मतलब टोटल आपको 120 रुपीज़ में राउंड ट्रिप हो जाएगा। बट ये नॉर्मल डेज की टिकट है, और अभी की जो टिकट प्राइजेस है नवरात्रि का वो सिर्फ ऊपर आने के लिए ही 120 रुपीज़ है और नीचे जाने के 80 रुपीज़, यानी कि राउंड ट्रिप 200 रुपीज़ का है, और उसमें भी आप लोग ऑनलाइन टिकट भी करा सकते हैं बुकिंग वगैरह। जो ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बस ओपन रहती है, अगर आप लोग उस बीच में अपना ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं रूप वे का तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा, फिर लाइन वगैरह लगाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और अगर आप लोग यहाँ आके टिकट्स वगैरह लेते हैं रोपवे का, तो आप लोग को काफ़ी लंबा क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, जितने देर में आप लोग चढ़ के दर्शन करके नीचे उतर सकते हैं। देख लीजिए अभी लाइट्स वगैरह धीरे धीरे चालू हो रही है शहर की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं आप लोग दिखा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देख लीजिए लोगों की भक्ति, लोग घुटने के बल भी चढ़ के ऊपर जाते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए। देख लीजिए यहाँ भी, देख लीजिए, देख के काफ़ी दुख लगता है, लेकिन उनकी भक्ति क्या सोचिए, अपना मान है, अपना भक्ति है, और उसी के सहारे लोग अपने ऊपर अपने माता जी का दर्शन करने जाते हैं। काफ़ी जोरों का प्यास लगा था, अभी रिफ्रेशमेंट के लिए रुके यहाँ पे नींबू पानी के लिए। चलिए देखिए रात हुआ और रोशनी चालू है यहाँ पे भीड़ भड़क का, देख सकते हैं यहाँ पे साइड में खाने पीने से लेके सारे शॉपिंग के लिए सारे स्टॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है, और काफ़ी भीड़ भी है, खासकर जाते टाइम जब आप नीचे उतरोगे तब आपको समय भी मिलेगा, और काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ लगा के भी रखे हैं यहाँ पे। देख लीजिए खाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम लोग ये ले लिए खाने के लिए, कम से कम ये एनर्जी देगा थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए नज़ारा, मैं यही नज़ारा दिखाने के लिए आप लोगों को काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। रात होते ही जब लाइट जलती है शहर की, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है यहाँ से पहाड़ों से। देख लीजिए आप लोग, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पूरा पहाड़ जगमगा रहा है। वैसे ही अगर आप नीचे से देखेंगे इसको, ऊपर मंदिर और पहाड़ के रास्ते को, तो ये भी एक अलग तरीके से पूरा जगमगाता हुआ आपको दिखेगा। चलिए अभी हम लोग आधा रास्ते नीचे उतर चुके हैं, अभी आधा उतरना और बाकी है। चलिए नीचे उतरते हैं जल्दी से, काफ़ी लेट भी हो गया, घर भी जाना है। चलिए चलिए, गुपचुप से लेके बर्गर वगैरह, भेज चाट वगैरह सारे चीज़ मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे। ये एक्चुअली सेंटर है, यहाँ से ऊपर का मंदिर जितना दूर पड़ता है, नीचे भी उतना ही दूर पड़ता है, जहाँ से हम लोग आए हैं, जहाँ से हम लोग चढ़ना चालू किए थे। देख लीजिए काफ़ी लंबा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, सारे चीज़ों का लगा हुआ है। चलिए अभी चलते हैं हम लोग नीचे। फाइनली हम लोग जहाँ से चढ़ना चालू किए थे वहाँ से उतर चुके हैं। रात का एक बार नज़ारा आप लोगों को इतने से दिखा दी, तो मंदिर कितना खूबसूरत लगता है। ये जाते टाइम मैं आप लोग को यही वाला मंदिर दिखाया था, ये देख लीजिए एक बार और आप। मेरे को पूरा उम्मीद था कि शाम को जब हम लोग उतरेंगे तो भीड़ कुछ ज़्यादा होगा, पर सुबह भीड़ कुछ ज़्यादा लग रहा था मेरे को, उसके मुकाबले भीड़ अभी काफ़ी कम है। चलिए चलते हैं हम लोग अभी बाहर की तरफ, देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। दर्शन वगैरह तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया, होप सो आप लोगों को भी दर्शन करने में अच्छा लगा हो, दर्शन करने में मज़ा आया हो आप लोगों को भी। ना जाने मैं कितने बार यहाँ बम्लेश्वरी माता के मंदिर आ चुका हूँ, बट इसके ऊपर जो व्लॉग है और वीडियो है वो पहली बार आ रहा है आप लोगों के लिए मेरे तरफ से। चलिए फाइनली हम लोग दर्शन करके नीचे आ गए हैं, जा रहे हैं अभी हम लोग अपने गाड़ी की ओर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया। हम लोग लगभग घर से 1 बजे निकले थे और हम अभी 6:40 हो रहा है, मतलब 7 बज गए हैं। हम लोग अभी दर्शन करके जस्ट नीचे उतर रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए था, जिस तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा था कि शाम को भीड़ ज़्यादा होगा, क्योंकि सुबह भीड़ कुछ ज़्यादा ही था, उसके मुकाबले में शाम को भीड़ अभी काफ़ी कम लग रहा है। और भीड़ जैसे जैसे अभी दिन बढ़ते जाएंगे, 9 दिन दुर्गा जी के, वैसे वैसे भीड़ और भी बढ़ती जाएगी यहाँ से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आज यहीं पर करता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे नए कंटेंट के साथ। मेरा अभी व्लॉग रेगुलर आएगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं और जो लोग इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं, वो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के इस फैमिली से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय माता दी।